100 से अधिक फिल्म काम करने वाले सूर्या द्विवेदी की खास बातचीत। देवरिया जनपद के एक होटल में पत्रकारों से खास बातचीत के दौरान अपने और सुशांत सिंह राजपूत के जीवन के बारे में बताया। सूर्या द्विवेदी ने सुशांत सिंह को बहुत करीब से जाना है। सूर्या द्विवेदी ने बताया कि सुशांत सिंह सुसाइड करने वाला इंसान नहीं था, वो खुद ही लोगों को जागरूक करता था। समय हम मशहूर डायरेक्टर भी कह सकते हैं और फिल्म अभिनेता भी कह सकते हैं और विलन का भी रोल करते हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मैं सूर्या द्विवेदी हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। चर्चित फिल्म में शुरुआत जो किया था मैंने करियर, वो हिंदी फिल्म थी, मिस इंडिया नाम था, उसमें मैं ओम पुरी जी के साथ था, वो उसमें हीरो था। उसके बाद फिर मैंने एक इंग्लिश फिल्म की थी जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, 1.5 घंटे का एक शॉर्ट था। 2003 में मेरे ख्याल से उस साल में उससे ज़्यादा किसी फिल्म के बारे में नहीं छपा था। और उसी साल मैंने ससुरा बड़ा पैसे वाला की थी, जो कि भोजपुरी की इतिहास है, सारा इतिहास गवाह है कि उससे बड़ी हिट अभी तक भोजपुरी में कोई नहीं हुई, जो कि 2 साल तक थिएटरों पर लगी रही। करीबन 25 लाख में बनी थी और 25 करोड़ का बिजनेस हुआ। तो उस फिल्म में मैं खलनायक था, तो भोजपुरी में क्या है कि वो हिट हो गई तो उसकी वजह से एक विलन का ठप्पा लगा। लेकिन हम लोग कलाकार हैं तो मैं भोजपुरी में हीरो भी किया हूँ, कॉमेडी भी किया हूँ, करीबन 100-125 फिल्में हैं। क्या सर आपकी शुरू से प्लानिंग थी फिल्म में जाने के लिए, हीरो बनने के लिए? हाँ, आपकी प्लानिंग के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को? जी जी, मैं बचपन से ही जो है स्टेज किया करता था। मैं अस्मिता ग्रुप से हूँ जिससे दीपक डोगरियाल, कंगना रानावत ये सब लोग हैं, और थिएटर वगैरह रेगुलर करता था। और मेरी इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद, चूंकि हम लोग नॉर्थ वाले हैं, देवरिया के रहने वाले हैं, तो हमारे पिताजी की ये थी कि मैं सरकारी नौकरी करूँ। मैंने कोशिश भी की, लेकिन वो कहते हैं ना, अंदर का कलाकार था जो कि नहीं होने दिया। शायद वो भाग्य में था मेरा। मैं बॉम्बे गया 2002 में अप्रैल में, और आप बिलीव नहीं करेंगे ऐसा किसी किसी एक्टर के साथ बॉम्बे में हुआ होगा, शायद ही गिने चुने किसी एक एक्टर का, दो एक्टर का हुआ होगा। मैं बॉम्बे उतरा और मैं तीसरे दिन शूटिंग कर रहा था, पांचवे दिन मैं टीवी पे आ गया था। तो मैंने स्टार्ट करियर जो किया था वो टीवी से शुरू किया था, जो कि सुराग सीरियल था। उसके बाद फिर सीरियल करते 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 जो है फिल्मों में घुसा, और मैंने नाम भी बदला। मेरा ओरिजिनल नाम गजेंद्र प्रताप द्विवेदी है, और सूर्या मैंने जब रखा तो उसके नेक्स्ट विद इन 15 डेज मैंने पहली फिल्म ओमपुरी जी वाली साइन की थी। तो उसके बाद ससुरा बड़ा पैसे वाला, निरहुआ, चलन ससुराल, रंगीला बाबू। सर, आपको कैसा लगा आप इतने बड़े फिल्मों में काम किए, बहुत बड़े 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 हीरो के साथ रहे, आपको कैसा लगा? ऐसा है कि जब आप कलाकार होते हैं ना तो आप सबको बराबर मानते हैं। तो मेरे लिए कभी भी ये हैंगओवर नहीं रहा कि मैं किसी बहुत बड़े कलाकार से मिल रहा हूँ। जैसे हम लोग CCL भी खेलते हैं, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होता है जो सलमान भाई कराते हैं, तो उसमें भी जाते हैं, सबसे मिलते हैं। लेकिन ऐसा कभी मुझे वो नहीं लगा कि मैं किसी बहुत बड़ी ऐसी चीज़ से मिल रहा हूँ जिससे शायद मैं कभी ज़िंदगी में नहीं मिल पाता। तो वो मेरा कभी मेरे को मतलब ऐसी फीलिंग नहीं। और उन लोगों ने भी मुझे बहुत प्यार से वेलकम किया, चाहे मैंने हिंदी, अनवर आपने सुना होगा, मौला मेरे मौला बहुत बड़ा हिट गाना है, उस फिल्म का मेन विलन नहीं था। तो इस तरीके से सबने मुझे बहुत अच्छे से, भोजपुरी ने ज़्यादा एक्सेप्ट किया। हिंदी वालों में अभी मैं स्टिल स्ट्रगलिंग कि बहुत अच्छा कोई मेरा फिल्म है, लेकिन अभी मेरी 5 फिल्में बन के रेडी हैं, जैसे मेहंदी लगा के रखना 3 केसारी के साथ, सही अरब गिले ना केसारी के साथ है। फिर मेरा एक हिंदी का वेब सीरीज है जो कि भसूड़ी हाउस है, जो कि अमेजोन प्राइम पर आएगा। उसके बाद रवि किशन के साथ 2 फिल्में हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ओम जय जगदीश, एक में खलनायक हूँ, एक में हीरोइन का भाई बना हूँ जो कि कॉमेडी करता है। तो इस तरीके से काफ़ी। सर, इस समय कोरोना महामारी चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे देवरिया वासियों के लिए 2 शब्द बताएं। मैं इतना ही कहूँगा कि आप घर में रहें और ज़रूरत पड़ने पर ही निकलें, जब भी निकलें तो ये मास्क लगा के निकलें और अपनी ही सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि जान है तो जहान है, तो जान को बचाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुशांत मेरा बहुत छोटे भाई, रेडी रेडी।
सर सुशांत राजपूत जो वो सुसाइड किए उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, उनका कैसा रिलेशनशिप था आपके साथ? सुशांत जब पहली बार मुंबई आया था ना तो वो मेरे ही फ्लैट पे आया था, हम लोग साथ में रहा करते थे। बहुत ही एंथुजियास्टिक लड़का था, मैंने उसको जिस दिन वो मेरे फ्लैट में घुसा था उसी दिन मुझे पता था कि ये बहुत बड़ा स्टार है, एक फीलिंग आ गई। और बहुत ही गजब का इंसान था, इतना एंथुजियास्टिक था कि मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि उसने सुसाइड किया, क्योंकि वो बहुत बढ़िया फाइटर भी था। मैं और वो साथ में मार्शल आर्ट करते थे, तो मुझसे जब वो बाउट करता था तो लगता था कि ये कभी हार मान ही नहीं सकता। कभी कभी मुझसे हारा है लेकिन कभी नहीं लगा मुझे कि वो सुसाइड करेगा या डिप्रेशन वाली कोई बात, वो हर डिप्रेशन से यूं बाहर आ जाता था। मैं मतलब आपको मैं नहीं बता सकता कि एक बार नादिर अकबर के यहाँ उसका एडमिशन जब मैंने कराया तो मतलब वो एंट्री किया उसको बहुत जल्दी रोल मिल गया, तो उसके अंदर जो जिस तरीके की चीज़ें थी वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता था। तो ये बात सबसे पहले मैंने ही जी को, जी न्यूज़ को और आज तक को बताई कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं एक साल उसके साथ 24/7 रहा हूँ और हम लोग साथ में डांस करते थे, एक्टिंग करते थे, बहुत सारी चीज़ें साथ में किए हैं। मेरे साथ ही उसने पवित्र रिश्ता भी ज्वाइन किया था, पवित्र रिश्ता उसका शुरू हुआ था, उसके बाद वो शिफ्ट हो गया मेरे पास से। लेकिन उस 12 महीने में मैंने उसको जितना जाना है उस हिसाब से मुझे लगता है कि सुशांत कभी सुसाइड नहीं कर सकता। और जो भी है भगवान ने उसे बुला लिया अपने पास, और मैं इस बात सबको आज भी ये चाहता हूँ कि काश सुशांत वापस आ जाता, क्योंकि उस प्रॉमिसिंग एक्टर था, बहुत ही बेहतरीन एक्टर था, बहुत ही मेहनती एक्टर था, और उसने अपनी जगह खुद बनाई थी, कोई उसका गॉडफादर नहीं था। तो एज हमारे यहाँ गॉडफादर नहीं होता है तो बहुत मुश्किलें होती हैं, मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम रहा कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन वो लक से जितना मुझे काम मिलता गया, मैंने स्टार्ट हिंदी से करा लेकिन भोजपुरी ने मुझे संभाल लिया, तो उस तरीके का उसका माइंडसेट नहीं था। मैंने कहा चलो मुझे काम तो मिल रहा है, जब गॉडफादर नहीं है तो जिधर आपको हिट मिलती है आप उधर जाते हैं, तो उसका भी कोई गॉडफादर नहीं था। तो लेकिन उसने जो मुकाम हासिल किया था उसके लिए उसको सलूट है, और भगवान से मेरी आज भी ये इच्छा है कि वो भगवान उसको वापस कर दो, क्योंकि हमारे देश ने एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार जो है वो गवा दिया है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। जय जय जय। और मैं देवरिया का रहने वाला हूँ, वो थाना तरकुलवा गांव हरई, और करीबन 17 साल से मैं भोजपुरी इंडस्ट्री और हिंदी इंडस्ट्री में एज ए कलाकार काम कर रहा हूँ, कभी किसी में हीरो किसी में विलेन, और मेरी करीबन 60 ब्लॉकबस्टर हैं भोजपुरी फिल्मों में, और हिंदी में करीबन 3-4 फिल्में बहुत बड़ी हिट रही हैं। म्यूजिकली बहुत बड़ी हिट थी अनवर, और एक फिल्म मैंने इंग्लिश फिल्म की थी जो कि 2003 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गई थी, 1.5 घंटे का एक शॉर्ट था। मैं एक थिएटर एक्टर हूँ जो कि दिल्ली से मैंने थिएटर किया है अस्मिता ग्रुप से, जिससे दीपक डोबरियाल, कंगना रनावत ये सब लोग हैं, यही छोटा सा है मेरा। इस समय सर आपकी 5 फिल्में रिलीज पे हैं, मेहंदी लगा के रखना 3, सैयां रब गई, एक हिंदी की वेब सीरीज है बसूरी हाउस जिसमें मैं बतौर कॉमेडी खलनायक हूँ, तो लेकिन साथ में मैं मेकिंग शुरू कर रहा हूँ, एंड मैंने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की है दिल्ली में भी और बॉम्बे में भी, तो बहुत जल्द मैं फिल्में बनाना भी शुरू करूँगा। तो अभी फिलहाल प्लानिंग ये है, और आजकल सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत कुछ चल रहा है, तो मैं ही पहला व्यक्ति था जिसने जी न्यूज़ पे ये बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत मेरे रूममेट थे और मेरे साथ रहते थे। बस मैं एक लाइन कहूँगा, क्योंकि वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान था और बहुत ही एंथुजियास्टिक था, बहुत बड़ा फाइटर था, वो सुसाइड नहीं कर सकता। सर इस कोरोना पे हमारे देवरिया जनपद वासियों को 2 शब्द कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? यही कहूँगा कि अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। मेरी बहन की शादी है, एक ही बहन है मेरी, हम 5 भाइयों में एक ही बहन है, मेरे चाचा की लड़की है, इस वजह से मुझे मतलब यहाँ आना पड़ा और इस वक्त आप मुझे होटल में देख रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि जान है तो जहान है, जान रहेगी तो सब कुछ रहेगा, तो अपनी जान बचाते हुए काम भी करिए और पैसे भी कमाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।